आज हम बनाने वाले हैं आलू पीनट फ्राई व्रत के लिए, तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने दो आलू लिए हैं, इन्हें कुकर में दो सीटी लगाकर उबाल करके मैंने ले लिया है। अब सबसे पहले हमें इन दोनों आलू को छील लेना है, जिस तरीके से मैंने दोनों आलू को छील लिया है। इसके बाद हमें इनके पीसेस करने हैं, यदि आप चाहें तो चाकू से भी कर सकते हैं, पर हाथ से जो है इसके पीसेस बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं इस तरीके से हाथ से इनके पीसेस तोड़ करके रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए थोड़े बड़े बड़े पीसेस तोड़ करके मैंने रेडी कर लिया, आप चाहें तो इन्हें कट करके भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने आधा कप के बराबर ये पीनट ली है, मतलब कि मूंगफली ली है, इन्हें मैंने रोस्ट करके ले लिया है और इनका छिलका नहीं उतारा है। यदि आप चाहें तो इन्हें रोस्ट करके लें या फिर एक छोटा चम्मच तेल में फ्राई करके भी ले सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस पे एक पैन रखेंगे, पैन में हम डाल देंगे यहाँ पे घी एक बड़ा चम्मच जितना, गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जितना जीरा। जीरे को हल्का सा चटकने देंगे और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक हरी मिर्च कटी हुई, आधा इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट किया हुआ और 4-5 कड़ी पत्ते बीच से तोड़ करके ले लिए मैंने, आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और 1-2 मिनट तक हल्का सा इन्हें फ्राई कर लेंगे ताकि मिर्चें जो है वो फ्राई हो जाएं और अदरक का भी कच्चापन दूर हो जाए। और 1 मिनट बाद ही हम इसमें पीनट डाल देंगे, मतलब कि जो हमने रोस्ट करके मूंगफली रखी हुई है इन्हें डाल देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट तक हमें मूंगफली को चलाना है इस तरीके से, और इसके बाद इसमें बॉईल किए हुए जो आलू रखे हुए हैं वो भी डाल देने हैं। तो यहाँ पे 1 मिनट तक मैंने अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें आलू डाल देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे आलू भी डाल दिए हैं, इन्हें भी मिक्स कर लेते हैं। अब हम गैस का फ्लेम हाई कर सकते हैं, मैंने मीडियम फ्लेम पे ही आगे कंटिन्यू किया है। तो अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे जिससे कि आलू जो है थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे। यहीं पर हम नमक भी डाल देते हैं, तो आधा छोटा चम्मच जितना व्रत वाला जो नमक होता है सेंधा नमक, मैंने वो डाल दिया है। 1/4 छोटा चम्मच जितना काली मिर्च पाउडर डाल दिया है। दोनों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे और 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और फ्राई कर लेंगे। जो पीसेस कुछ बड़े लग रहे हैं उन्हें हम छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्हें मैंने 2-3 मिनट अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया, ये एकदम परफेक्टली रेडी हो गया है, एकदम इंस्टेंट। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर लेते हैं यहीं पर और इसमें डाल देते हैं हम धनिया पत्ता। तो 1 बड़े चम्मच जितना फ्रेश धनिया पत्ता बारीक कट करके मैंने डाल दिया है। साथ ही में मैं नींबू का जूस डाल रही हूँ, आधा नींबू का जूस लिया है, इसे डाल देते हैं। दोनों को मिक्स कर लेते हैं, गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है। तो चलिए अब इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो इसे मैंने यहाँ पे कर लिया सर्व, एकदम डिलीशियस बनता है, झटपट बन जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहें तो इसमें ऊपर से टमाटर ककड़ी जो भी सब्जियाँ आप व्रत में खाते हैं वो डाल करके खा सकते हैं। बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। जल्दी मिलते हैं कुक विद मनु पर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।